प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो समांतर, रिसेंटली, ऑलरेडी, एट, सो, फार, एवर, जस्ट, टिल, टाइम ऑफ, लेट, लेट, लेटली, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम के साथ परफेक्ट टेंस होता है। जैसे ही हैज नॉट रिचेट होम, वह अब तक घर नहीं आया है। तो यहाँ पर गौर करें, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सेंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, तो ये सिंपल रूल है। तो देखो, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, मैंने उसे नहीं देखा है जब से वह इंडिया लौटी है। तो यहाँ मैंने उसे नहीं देखा है, तो यहाँ गौर करने की बात है कि सिंस के बाद वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट में और उससे पहला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। ऐसे वाक्यों में कोई भी मॉडल वर्ब अपने परफेक्ट टेंस में आ सकती है। तो जैसे ही मे हैव ग्रोन ओल्ड सिंस सी लास्ट से हिम, तो दूसरा सिंस वाला सेंटेंस किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर सिंस का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में कर लिया जाए तो सिंपल पास्ट सिंस के साथ ही आएगा। जैसे सिंस राधा ज्वाइनेड पुलिस सर्विस, जब से राधा ने पुलिस सर्विस ज्वाइन की है, तो सी हैज नॉट टेकन एनी लीव, तो उसने एक भी छुट्टी नहीं ली। तो सिंस वाला सब वर्ड है वो पास्ट इंडेफिनिट में। जब कार महत्वपूर्ण हो, ना कि कार होने का समय, एवं कार होने के समय का उल्लेख भी ना हो, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वी हैव रीच्ड द मून, हम चांद तक पहुंच गए हैं। तो वी हैव रीच्ड द मून ऑन 12 मई 2004, तो हम चांद पर कब पहुंचे थे, यानी कि 12 मई 2004 को, तो ये बात गलत है। तो यहाँ पर हम परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे, अगर पॉइंट ऑफ टाइम या एक्सप्रेशन ऑफ टाइम दिया जाए तो यानी कि परफेक्ट की जगह पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका सही करेंगे तो वी रीच्ड द मून ऑन 12 मई 2004। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम इक्वल पास्ट इंडेफिनिट होता है। इट इज मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, ये प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रित रूप है। इन दिस टेंस एडवर्ब एंड कंजंक्शन आर यूज टू एक्सप्रेस द प्रीसीडिंग एक्शन, यानी कि कंजंक्शन और एडवर्ब जो प्रयोग किए जाते हैं कि कौन सा कार्य पहले हुआ उसको व्यक्त करने के लिए। जैसे वी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, मैंने यह मूवी पहले ही देख चुका हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन बराबर प्रेजेंट परफेक्ट होगा, क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ही हैज नोन मी फॉर 2 ईयर्स, वह मुझे 2 साल से जानता है। तो वह मुझे 2 साल से जानता है, मतलब तब से 2 साल पहले जाना था और आज तक जान रहा है, ठीक है। सी हैज ओनर्ड दिस पार्लर सिंस 2020, यानी कि वह इस पार्लर का 2020 से मालिक है। तो सिंस, फोर, हाउ लॉन्ग, वॉल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलॉन्ग यूज टू एक्सप्रेस टाइम एक्सप्रेशन। तो सिंस, फोर, हाउ लॉन्ग, वॉल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलॉन्ग यूज टू का प्रयोग हम टाइम एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए करते हैं। कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो एवं अभी भी जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स, वह 5 सालों से इस घर में रहता है। सी हैज बीन इल सिंस मंडे, वह सोमवार से बीमार है, मतलब वह सोमवार को बीमार हुई थी और आज तक बीमार है। आई एम नोन हिम फॉर 3 ईयर्स, मैं उसे 3 सालों से जानता हूँ, मतलब 3 साल पहले उससे पहचान हुई और आज तक जारी है। ऐसा कार्य जो अभी अभी पूरा हुआ हो, तो द बस है जस्ट अराइव्ड, बस अभी अभी आई है। ऐसी स्थिति जब कार के पूर्ण होने का समय न दिया गया हो एवं कार पूर्ण हुआ या नहीं इसका पता नहीं चलता। जैसे हैव यू रीड हैमलेट, क्या आपने हैमलेट पढ़ा है। हैज शी एवर बीन टू अमेरिका, क्या वह कभी अमेरिका गई है। ऐसे कार्य जो पास्ट में पूर्ण हो चुके हों लेकिन उनका प्रभाव हमें वर्तमान में महसूस हो रहा हो, जैसे द लिफ्ट हैज ब्रोकन डाउन, यानी कि लिफ्ट टूट चुकी है, सो वी हैव टू यूज स्टेयर, इसलिए हमें जीने का उपयोग करना पड़ता है। सी हैज कम्प्लीटेड हर वर्क, यानी कि उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है, सो सी हैज नाउ फ्री, इसलिए अब वह फ्री है। एट, ऑलवेज, नेवर, अप टू नाउ, टुडे, ऑफन, सेवरल टाइम्स का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। तो हैव द चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल एट, क्या बच्चे अभी तक स्कूल नहीं गए हैं। आई हैव ऑलरेडी विजिटेड आगरा, मैं आगरा पहले ही जा चुका हूँ। सी हैज नेवर बीन डाउन ए माइन, उसने कभी खदान नहीं खोदी है। आई हैव ऑफन बीन देयर, मैं वहाँ अक्सर गया हूँ। सी हैज नॉट बीन वेल लेटली,
वह अभी तक अच्छी नहीं हुई है। आई हैव सीन दिस मूवी सेवरल टाइम्स, मैंने यह मूवी कई बार देखी है। तो दिस डेट एट और इसके बाद एज हो, उसके बाद आर्टिकल द प्लस फर्स्ट सेकेंड बेस्ट ओनली बस्ट जैसे हों तो उसके, और उसके बाद नाउन, तो उसके बाद वाला सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, जैसे दिस इज द बेस्ट विस्की आई हैव एवर ड्रिंक, यह सबसे अच्छी विस्की है जो मैं हमेशा पीता हूँ। डेट इज द ओनली बुक, यह केवल वह किताब है जो उसने लिखी है। दिस इज द थर्ड टाइम, यह तीसरी बार है। यू हैव आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, तुमने मुझसे एक ही प्रश्न वही क्वेश्चन पूछा है। डेट इज द फिफ्थ बनाना, यह पांचवा केला है। यू हैव इटन सो फार, जो अभी तक तुमने खाया है। इट इज प्लस टाइम एक्सप्रेशन सिंस प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पर इट इज थ्री ईयर सिंस आई हैव सीन हर, यानी कि 3 साल हो गए हैं जब से मैं उससे मिला हूँ। पत्र लेखन में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, जैसे आई एम सॉरी आई एम नॉट रिटर्न यू बिफोर, मतलब मुझे खेद है कि मैंने इससे पहले आपसे नहीं लिख पाया। पास्ट एक्शन का वार्तालाप प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, जैसे व्हाट हैव यू बॉट, आपने क्या खरीदा। अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो यानी कि शॉपकीपर पूछता है व्हाट हैव यू बॉट, आपने क्या खरीदा, तो हम आंसर देंगे आई हैव बॉट ए मोबाइल ओनली, मैंने केवल एक मोबाइल खरीदा है, एम ओ बी आई एल ई, मैंने केवल एक मोबाइल खरीदा है। तो ये पास्ट एक्शन है लेकिन अभी करेंट प्रेजेंट में है।